हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वेज मोमोज बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और स्वाद में आपको बिल्कुल मार्केट जैसी ही लगेगी। मोमोज की चटनी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ चेक इट आउट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम मोमोज बनाना। मोमोज बनाने के लिए हमें कैबेज और अनियन की ज़रूरत है, जो हमने हाफ हाफ के जी बराबर मात्रा में लिया है। कैबेज और अनियन को कद्दूकस कर लिया है और साफ़ पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है। अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। हमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करना है, रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना है इसमें। जब रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए तो हमें गैस की फ्लेम को सिम कर देना है और इसमें बनारसी राई 1 टीस्पून आपको डाल देनी है। और इसमें जो हमने कैबेज और अनियन कद्दूकस करके रख रखा था वो सारा इसमें हम डाल देते हैं और इसको अच्छी तरीके से चला देते हैं। हमें गैस की फ्लेम को स्लो पे ही रखना है और इसको अच्छी तरीके से चला लेना है। और अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। आप ज़्यादा पसंद करते हो आप ज़्यादा डालिए, कम पसंद करते हो कम डालिए। उसके साथ ही 1 टीस्पून हम सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। और इसमें 1 नींबू कट करके हम इसमें डालेंगे उसका रस। मैंने नींबू डालने के बाद इसको ढक दिया था और मैं अब इसको ओपन करके एक बार फिर से चला रही हूँ। और इसको लो फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, क्योंकि कैबेज पानी छोड़ता है, इसलिए हमें पानी को पूरा सुखा लेना है अच्छे से। इसलिए हम इसको अच्छे से चला के लो फ्लेम पे करके और इसको फिर ढक देंगे। मोमोज का पेस्ट एक तरफ तैयार हो रहा है, तो चलिए अब हम मोमोज के आटे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मैदा 1/2 kg ले लिया है और उसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून सादा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि पेस्ट में ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ है। और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। हमें ये आटा ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है, आटे को हमें सॉफ्ट ही रखना है। तो चलिए एक बार पेस्ट चेक कर लेते हैं कि वो तैयार हो गया कि नहीं। जी हाँ, हमारा पेस्ट अब एकदम बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। हमारा आटा भी गूंद के तैयार हो गया है, जो देखिए कितना सॉफ्ट है। अब हम गैस पे एक भगोना रखेंगे और भगोना ऐसा होना चाहिए जो हमारी छलनी उसके ऊपर प्रॉपर फिट हो जाए, क्योंकि हमें स्टीम से ही अपने मोमोज को पकाना है। और उसमें पानी डाल के हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल उसके अंदर डाल देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक चलिए हम मोमोज बना लेते हैं। उसके लिए जो हमने आटा बना के रख रखा था उसके हम बराबर लोइयां तैयार कर लेंगे। हल्का सा ऑयल की ग्रीसिंग देके और इसको हम प्रॉपर लोइयां कट कर लेंगे।
अब हम लोइयों को अच्छे से रोल करके बेलन की सहायता से इसको पूड़ी की तरह बेल लेते हैं। इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना होता है, इसको पतला बेलना होता है और इसमें इसको रिफाइंड ऑयल लगा कर ही बेलना होता है। और अब हम इसमें पेस्ट को भर देते हैं। और पेस्ट भरने के बाद देखिए ऊपर से कवर कर दिया और देखिए हमारे मोमोज ऐसे बनके दिखने लगेंगे। हमने जो गैस पे पानी चढ़ा रखा था देखिए अब वो बॉयल होने लगा है। अब हम छलनी में ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे और इसके अंदर हम मोमोज रख देंगे। मोमोज रखते वक्त थोड़ा सा गैप जरूर रखें क्योंकि वो एक दूसरे में चिपक न जाएं। और अब हम इसको भगोने के ऊपर रखकर और इसको ढक्कन से बंद कर देते हैं। फ्लेम को हम हाई पे कर देते हैं और 4 से 5 मिनट का वेट करते हैं। 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला है और हमारे मोमोज देखिए बन के तैयार हो गए हैं। और अब हम इसको निकाल के प्लेट में डाल लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारा मोमोज बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे जिससे ये खाने में और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। मोमोज की चटनी के साथ आप गर्मा गर्म मोमोज खाने का आनंद ले सकते हैं। आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिए और हमें ज़रूर बताइए कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसी ही अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।